श्री गणेश, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज का ये प्रेडिक्शन है 7 नंबर यानी कि तुला राशि। फर्स्ट ऑफ ऑल तुला राशि के लिए बात करनी है तो प्रेडिक्शन में शुक्र ग्रह के बारे में बात करना होगा। वीनस द लॉर्ड ऑफ योर साइन आपकी राशि के अधिपति हैं, जो चल रहे हैं सुख स्थान के अंदर, चौथे स्थान के अंदर, और ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं 7 मार्च को। तो 7 मार्च को शुक्र मीन राशि में चलेंगे, पंचम स्थान में चलेंगे, जो एक्सीलेंट फल देने वाले हैं आपको, आकस्मिक कुछ लाभ करने वाले हैं, संतान रिलेटेड आपके कार्य बनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सक्सेस इन लव मैटर। मेन एनर्जी प्लेनेट जो है सूर्य पंचम स्थान में है, और सूर्य भी 14th of March को राशि परिवर्तन करके चलेंगे 6th हाउस के अंदर। ये चलेंगे यहाँ राहु के साथ चलेंगे, जिसके इम्पैक्ट में क्या होगा कि शत्रुओं के ऊपर आपका विजय होगा, बौद्धिक विजय होगा, और सरकार से भी लाभ मिल सकता है, मैटरनल साइड से भी लाभ मिल सकता है। बिजनेस की कारक ग्रह जो है ये बुध है, और बुध का ट्रांजिट बहुत फास्ट है इस मंथ के अंदर। बुध जो है ये मंथ की शुरुआत में कुंभ राशि में है, 7 तारीख को बुध मीन में आ जाते हैं, और 25 मार्च को बुध मेष में चले जाएंगे, यानी कि पंचम, 6th एवं 7th हाउस के अंदर जो बुध का ट्रांजिट रहेगा ये आपको फास्ट काम करवाने वाला है, कारोबार आपका बढ़ने वाला है, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग के अंदर भी आपका खर्चा रहेगा। गुरु आपकी राशि के 7th स्थान में हैं, जो आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं, आपके आत्मबल में वृद्धि करने वाले हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले हैं। जुपिटर ट्रांजिट इज़ वेरी गुड फॉर यू। मंगल जो कि 4th स्थान में चल रहे हैं, ये 15 मार्च को चलेंगे 5th स्थान के अंदर, तो मंगल का भी ट्रांजिट ठीक ठीक है, बदलने के बाद भी ठीक है, क्योंकि 5th स्थान में मंगल जो है ये शनि के घर में चलेंगे। हालांकि अभी जो मंगल चल रहे हैं ये उच्च के मंगल हैं, लेकिन वो जो ट्रांजिट में आप मांगलिक हैं, जिसके चलते हुए खास करके दाम्पत्य जीवन के रिलेटेड भार क्रिएट हो सकता है पार्टनर के साथ, तो मंगल बदलने के बाद जो है ये थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप में अपने मित्रों के साथ। लेकिन ओवरऑल कोई चिंता वाली बात नहीं है। सूर्य 5th स्थान से 6th हाउस में जाने वाले हैं, जो राजयोग कारक बनने वाले हैं, तो एक्सट्रीमली शुभ फल मिलेगा। जिनका जन्म का लग्न तुला है, सूर्य तुला है, चंद्र तुला है, ये तमाम जातकों के लिए इसका फल एक्सीलेंट रहने वाला है। गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है।